सो गाइस अभी मेरी भाभी जो है वो गई है मटकोर में और हम आ गए हैं किचन और लड़के अकेले पापा अकेले और मेरा बच्चा डैडी और लड्डू भी सुबह सुबह ट्यूशन पढ़ के आया है और भाभी ऑलरेडी एक भिंडी का भुजिया बना रही है। मैं अब बना रही हूँ आलू बैंगन सेम टमाटर पापा का फेवरेट है। तो और आप सोच रहे होंगे कि मैं ससुराल अचानक से क्यों आई, तो आप लोग सोचिए और जल्दी से बताइएगा। फिलहाल मैं अपना सब्जी बना लेती हूँ। यहाँ मटकोर आया है तो आपको वीडियो में आगे दिखेगा यहाँ कैसे आता है। यहाँ कुछ ज्यादा ही बैंड बाजे के साथ आता है, डीजे के साथ पटाखे फूट रहे हैं। तो आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा, बने रहिए वीडियो में और गेस करते रहिए कि मैं क्यों आई इतनी जल्दी, मतलब अचानक। कमेंट कीजिए। ये उनका ही मटकोर है, बंद कर दिया। ठीक है जरूर। ये मटकोर था जो था वो लड्डू के पापा के दोस्त का यानी कि मेरे हस्बैंड के दोस्त का था और एक तरीके से भतीजे का भी था। तो मैं बन गई हूँ सास और आई हुई हैं आज ही बहू रानी। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं वेडिंग का भी व्लॉग डालूँ तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा, अदरवाइज़ मैं उसको नहीं डालूँगी बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल लाइक डेली व्लॉगिंग। एंड अभी लड्डू सो चुका है तो मैं रात में वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो आई होप आप लोग एडजस्ट करेंगे। खाना यानी ओट्स और लड्डू के बड़े भाई सेम लड्डू जैसा हो गए, मतलब बड़ा भाई नहीं छोटा वाला भाई, लेकिन भैया ही लड्डू को खिला रहे हैं खाना। और यहाँ पे हम अर्णव, इसमें लड्डू ने रसगुल्ला खाया था,
अर्णव हम एक में खाए हैं और लकी भी खाई है बट वो उठ गई। और लड्डू एक्चुअली मैं कैमरा ऑन की थी दिखाने के लिए कि लड्डू रोटी बेलना सीख रहे हैं। कहाँ है इनका लोहिया भाई? अच्छा लोही इधर है इनके हाथ में, आप लोग देख लो भाई। आओ 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 लड्डू फिनिश करो। चला गया लड्डू। और यहाँ पे और मैं सब कुछ हो चुका है सारा काम धाम। मेरे पास लाल दुपट्टा नहीं था तो लाल दुपट्टा मेरे को अनिशा ने दिया, भाभी का दुपट्टा है। और यहाँ बैठ करके हम लोग सब लोग आसन के नीचे ही बैठ के खाते हैं, तो नीचे बैठ के खा लिया है और अब काम कुछ भी नहीं है ना। व्लॉग भी मैंने अभी अपलोड कर दिया है, तो मेरे को आज भाभी का बर्थडे है तो कुछ तो हम लोग वीडियो शूट करेंगे, फिर आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। आप लोग बने रहिए व्लॉग में और देखते रहिए। और पहली बार भाभी का बर्थडे सेलिब्रेट होगा। पापा बोल रहे थे कि पहले तो नहीं किया, लेकिन अब तुम लोग की मर्जी, तो बच्चों की मर्जी है। आज इनकी मम्मी का बर्थडे है, इसकी बड़ी मम्मी और लड्डू की बड़ी मम्मी। ओ तेरा हैप्पी बर्थडे, सो गाइज यहाँ मैं आ गई थी किचन में और ये था रात का टाइम। दिन भर मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था। ये मैं चुन्नी आप लोगों को दिखा रही थी, बड़ा फनी सा रख रहा था सिर पे रख के, बट मैं कैसी सी दिख रही थी। ये ऐसे है। तो अर्णव ये हमेशा मेरे साथ ही रहते हैं, आप लोगों को दिख जाता होगा। अभी हम लोग जा रहे हैं मशरूम बनाने, मैं और अर्णव मिलके। अर्णव का काम था मशरूम लाना, मेरा काम है बनाना। तो फिलहाल हम चलते हैं मशरूम बना देते हैं, बाद में पूरी और वो खीर होते रहेगा क्या। मशरूम हम लोग ऐसे डब्बा से यहाँ मंगाते हैं, बट कोयम्बटूर में यूजुअली मिल जाता है पैकेट वाला बहुत इजीली चीपली, बट ये बहुत महंगा पड़ जाता है। महंगा नहीं है, बहुत सस्ता है। आपको लग रहा है 30-40 रुपए का मिलता है पता है एक पैकेट, मतलब कितने ग्राम का होता है? ग्राम तो नहीं पता मेरे को, 250 ग्राम नहीं होता है, 200 ग्राम है। आपको उल्लू बना दिया देखिए, 200 ग्राम। तो जानते थे क्या बोल रहे हैं, 250 ग्राम बढ़ा रहे हैं। तो अभी हम लोग ज़्यादा देर नहीं करते, फटाफट से चलते हैं मशरूम बनाने। एंड अभी मैं ब्लॉग के एंड तक बता दूंगी कि मैं क्यों आई, मतलब यहाँ पे ये बच्चा मेरा स्लाइडर लगा रहा है ताकि आंटी का बैकग्राउंड सही आ जाएगा। तो अभी जाते हैं फटा से, यहाँ पे अभी चाय और पापड़ बना था। दीदी आ चुकी है, मेरी ननद आ चुकी है बड़ी वाली, छोटी वाली को तो पता नहीं है हम लोग क्यों आए, लेकिन अभी फिलहाल चलते फटाफट से मशरूम को बैठाने और उसी के साथ फिर मशरूम को हम लोग बनाना स्टार्ट करेंगे। और इनको ये बोल रहे हैं आंटी चलिए पहले डेकोरेट करने चलिए, पहले मशरूम बना देते हैं, सारा हेडेक खत्म हो जाएगा आधे घंटे में। तो चलते हैं फटाफट से। सो गाइस यहाँ पे मैंने बैठा दिया है पनीर को, ऊपर फोरन को लगा दिया है और अब बस मशरूम यहाँ पे मैं फ्राई कर रही हूँ, ये आयरन की कढ़ाई है। एंड इसके बाद से यहाँ पे पनीर भुर्जी बनाऊंगी। तो अभी फटाक से मैं यहाँ पे ये मशरूम आप देख सकते हो तले गई हूँ मैं, उसके बाद से फटाक से बनाएंगे। तो मशरूम को पहले तल के निकाल लेती हूँ। यह है भुर्जी के लिए पनीर। यह है मशरूम। भैया